आशुतोष जी, मान्यवर, शिक्षा के गिरते हुए स्तर को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं, पर अंत में पूरा का पूरा जो है ठीक रहा वो शिक्षकों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। राजनीतिक दबाव, संसाधनों के अभाव और साथ ही साथ स्वयं की उपेक्षा के बाद भी शिक्षक लगातार अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए आज भी कटिबद्ध है। आज अगर हम बेसिक शिक्षा की बात करें तो जनगणना, मतगणना, बाल गणना, मध्यान्ह भोजन से लेकर हर व्यवस्था वो करता है, लेकिन आप चुनाव भी में भी उसकी ड्यूटी लगती है, लेकिन जब मान्यवर बात आती है तो इतना विश्वास सरकार को उसके ऊपर है। अभी पोर्टल जो नया इन्होंने किया, प्रेरणा पोर्टल, ऑनलाइन उसका फेस से उसको अपना अटेंडेंस लगाना है। अब आप समझ लीजिए कि विश्वास नहीं कर पा रहे, आज के डेट में पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के हर BRC पे धरने चल रहे हैं। कहीं आज आप चेक करा लीजिए, हर BRC पे पूरे प्रदेश के धरने चल रहे हैं इसी बात को लेकर। आज प्रेरणा पोर्टल को लेकर महिला शिक्षिकाओं में बहुत असुरक्षा है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। प्रसिद्ध विद्यालय में जो लगातार, क्योंकि ये व्यवस्था भी नहीं दे पा रहे, आज नेटवर्क का अगर इशू हो जाए मान्यवर तो वो अटेंडेंस उसका नहीं लग पाएगा, वो परेशान होगा, बाद में उसका शोषण किया जाता है। इस तरह से लगातार मैं देख रहा हूँ कि 20-25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर जो रहता है उसको पास में इतना टफ बना दिया गया है पूरे के पूरे इनके स्थानांतरण के सिस्टम को, कि उसमें व्यापक भ्रष्टाचार चल रहा है। के बाद जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो 2 अरब रुपया उन्होंने मानदेय देने का काम किया था, और जिसको इस सरकार ने कंटिन्यू नहीं किया। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सदन के माध्यम से कि समान काम का समान वेतन के हिसाब से उनकी सेवा नियमावली बन जाए, सम्मानजनक सेवा शर्तें बन जाए, जिससे उनको कम से कम इस बात को सुनिश्चित हो सके कि वित्तहीन शिक्षकों को कुछ पैसा मिल जाए, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। 9,000 रुपये अनुदेशकों को मिल रहा है मान्यवर, और 9,000 रुपये में वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको भी बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार अनुदेशकों पर भी कोई ध्यान नहीं दे रही। विषय है, इसमें सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद मान्य आशुतोष, मान्य नेता सदन। माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी, माननीय सभापति जी, स्वतंत्र प्रभार जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, चिंता व्यक्त की है शिक्षा मित्रों के संबंध में, इस संबंध में यहाँ सदन में अभी प्रश्नकाल में ही चर्चा हुई है, और इस पर यह सहमति बनी कि सरकार के द्वारा जो शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर के माननीय सदस्य द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई है, उस पर सरकार के द्वारा शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाना है, उस पर हम सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा विचार किया जाएगा, और अगर इसके ऊपर कोई भी चीज तय होती है, निर्धारित होती है, तो माननीय सदन को और आपको पीठ को इससे अवगत।